भाई टाइटल तो पढ़ लिया होगा आप सबने। बहुत ही तगड़ा कंफ्यूजन है भाई इन दोनों ही फोन्स के अंदर। एक तरफ भाई वन प्लस का स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 3 का चिपसेट है, दूसरी तरफ भाई सैमसंग की कैमरा का सपोर्ट। तो भाई इन दोनों फोन में से आपके लिए सबसे बढ़िया फोन कौन सा है? भाई मैंने कर ली है फुल टेस्टिंग दोनों ही फोन्स की और वन प्लस नॉट 4 एक काफी तगड़ी टक्कर दे रहा है सैमसंग के S23 FE को। कुछ चीजों में तो भाई सैमसंग से भी बढ़िया है ये, कौन सी चीजें हैं उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों ही फोन्स के डिजाइन से। भाई सैमसंग का गैलेक्सी S23 FE एक मॉडर्न डिजाइन लेकर आता है। मेरे पास जो वेरिएंट है वो मिंट कलर में है तो वो और भी ज्यादा प्यारा लगता है, लेकिन सैमसंग ने इस बार ही थोड़ा सा बल्की कर दिया है सैमसंग S23 FE को, जिसकी वजह से भाई हाथ में उठाने में थोड़ा भारी लग सकता है सैमसंग S23 FE। वही OnePlus Nord 4 में आपको एक यूनि बॉडी डिजाइन देखने को मिलेगा और फुल मेटल बॉडी है भाई, तो हाथ में उठाने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है ये वाला फोन। मुझसे अगर पूछोगे इन दोनों ही डिजाइन में से कौन सा डिजाइन ज्यादा प्रैक्टिकल है, तो OnePlus का मेटल डिजाइन मुझे थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल लगा लास्ट डिजाइन से, क्योंकि फोन भाई गिरते रहते हैं और गिरने के बाद मेटल बॉडी पे क्रैक्स वगैरह आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी डैमेज आपको OnePlus Nord 4 में थोड़ा कम देखने को मिलेगा। OnePlus के साथ भाई एक जो शिकायत रहती थी कि भाई वो कभी भी अपने डिजाइन में IP रेटिंग नहीं देते थे, यहां पर आपको IP65 की रेटिंग भी मिल जाती है। तो अगर आप पानी के आसपास थोड़ा क्लमजी रहते हो और फोन आपको पानी में गिरता रहता है, तो यहां पर आपको थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन OnePlus Nord 4 में ज्यादा देखने को मिलेगी पुराने OnePlus फोन्स के मुकाबले। तो ओवरऑल एक डिजाइन के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूंगा तो OnePlus Nord 4 में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर डिजाइन मिलता है Samsung के S23 FE के साथ। अब भाई बात अगर डिस्प्ले की करी जाए तो दोनों ही फोन्स में मोटा माटी डिस्प्ले आपको अच्छा देखने को मिलेगा। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, YouTube और Netflix दोनों में ही HDR10 कंटेंट सपोर्टेड है, पीक ब्राइटनेस सफिशिएंट है कि भाई आप आउटडोर्स में कोई भी काम करो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन OnePlus Nord 4 में ना एक छोटी सी चीज है जो आपको डिस्प्ले में बेटर देखने को मिलेगी, वो है कि OnePlus Nord 4 में पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो है PWM फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं वो 2160 हर्ट्ज तक जा सकता है, जबकि S23 FE अप टू 240 हर्ट्ज तक ही जा सकता है। अब इस चीज की वजह से होता क्या है कि कुछ लोगों को जो थोड़े सेंसिटिव ज्यादा होते हैं डिस्प्ले के मामले में, उनको सैमसंग के फोन को रात को स्पेशली जब वो यूज कर रहे हैं लो लाइटिंग में और जहां ब्राइटनेस वो अल्टर करके डिम कर रहे होते हैं, वहां पर आपको थोड़ी सिरदर्द जैसी फीलिंग आ सकती है अगर आप PWM सेंसिटिव हो तो। तो अगर आपने ऐसा कभी महसूस किया कि सैमसंग के फोन में या किसी फोन में मेरे को दर्द हो रहा है सर में ज्यादा जब मैं रात को फोन देख रहा हूं, तो हो सकता है कि वो उसकी PWM सेटिंग की वजह से हो। उसके लिए क्या करना चाहिए अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ, मैं आपको टिप्स बता दूंगा कि उन किन तरीकों से आप इस चीज को थोड़ा कम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये दिक्कत होती है तो OnePlus Nord 4 कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा बेटर डिस्प्ले रह सकता है। अब भाई बात करते हैं कैमरा के बारे में। अगर कैमरा यार आपकी टॉप प्रायोरिटी है तो यहां पर कोई कंफ्यूजन ही नहीं, एकदम क्लियर कट आंसर है सैमसंग का कैमरा बहुत ज्यादा बेटर है OnePlus Nord 4 के मुकाबले। मतलब हार्डवेयर में भी और सॉफ्टवेयर में दोनों के मामलों में आपको सैमसंग S23 FE में एक बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले तो भाई हार्डवेयर की बात करूं तो ट्रिपल कैमरा सेटअप है रियर साइड पे और फ्रंट का कैमरा है वो भी काफी ज्यादा सुपीरियर है OnePlus Nord 4 के कैमरा से। कैपेबिलिटी वाइज भी S23 FE में आपको एक, अगर आप कॉन्टेंट क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से देखोगे या वीडियोज वगैरह ज्यादा बनाते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। 8K में रिकॉर्डिंग है, वीडियोस के लिए प्रो मोड आपको मिल जाता है, टेलीफोटो लेंस से आप वीडियो भी बना सकते हो फोटोज भी ले सकते हो, फ्रंट कैमरा में 4K 30fps तक रिकॉर्ड कर सकते हो। ये सब चीजें भाई सैमसंग के कैमरा का एक्सपीरियंस काफी बेटर बना देते हैं OnePlus Nord 4 के मुकाबले। तो कैमरा हैंड्स डाउन OnePlus Nord 4 से बेटर है S23 FE का, लेकिन ऐसा नहीं है कि OnePlus Nord 4 का कैमरा एकदम ही बेकार है। प्राइमरी कैमरा यूजेबल है, रात में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है, लेकिन डे लाइट में इसकी परफॉर्मेंस डिसेंट है। बाकी अल्ट्रा वाइड सेंसर इज लाइक ओके नॉट ग्रेट वाला फीलिंग आपको देगा। कैमरा में तो चलो सैमसंग बढ़िया हो गया, लेकिन भाई बात इतनी सी ही होती तो ये वीडियो बनाने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ती। जहां सैमसंग में आपको कैमरा बढ़िया मिल जाता है वहां भाई उन्होंने प्रोसेसर एक्सिनोस का डाल दिया, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं लगेगी क्योंकि रॉ परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको तगड़ी मिल जाएगी। लेकिन मेन दिक्कत ये आती है कि भाई अगर आप फोन को एक्सटेंडेड हैवी गेमिंग वगैरह के लिए यूज करोगे तो भाई थोड़ा बहुत आपको फोन हीट होता हुआ नजर आएगा। तो भाई देखो बात यहाँ पर यह है कि अगर आपकी यूजेज इंडोर सेटिंग्स में थोड़ी ज्यादा है जहां पे भाई एसी वगैरह चलता रहता है और रूम का टेम्परेचर 25-26 डिग्री आसपास रहता है तो आपको इतना ज्यादा फील ना हो ये वाला इशू शायद। बाहर गर्मी में जैसे स्टूडेंट्स वगैरह को ट्रैवल करना रहता है बस में या मेट्रो में, तो उन लोग के लिए हो सकता है कि भाई नॉर्मल सेटिंग में भी आपको फोन थोड़ा बहुत गर्म होता हुआ नजर में आए, तो उन लोग के लिए फोन ज्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। और इसी बात पे OnePlus Nord 4 में आपको स्नैपड्रैगन का 7 प्लस जेन 3 का चिपसेट देखने मिलता है, जो कि पावरफुल ये प्रोसेसर भी है, 10 से 12 लाख का ऑन टू स्कोर निकल के आ जाता है। डे टू डे टास्क में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी,
हीटिंग की यार मैंने गेमिंग के सेशंस लगा लिए हैं इसमें लंबे चौड़े, कोई ऐसा मेजर मेरे को परेशानी नहीं हो रही है हीटिंग को लेकर OnePlus Nord 4 के अंदर। लेकिन अभी इसका डिटेल्ड रिव्यू मैं लेके आने वाला हूं अपने चैनल पर, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह जरूर कर लेना ताकि आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। और फिर सिर्फ हीटिंग की ही दिक्कत नहीं है मेन, बाकी काफी लोग जो कमेंट करते हैं मेरे चैनल पर वो बोलते हैं भाई हमें बैटरी को लेके बहुत एंजाइटी रहती है, S23FE की बैटरी दिन भर चलेगी या नहीं चलेगी। और सैमसंग के जो फैन एडिशन वाले फोन्स है ना उनमें बैटरी रिलेटिवली थोड़ी कम देखने को मिली थी, जैसे S21FE में भी थोड़ा कम बैटरी लाइफ मिलता था। S23FE में आपको एक दिन तक का बैकअप मिल सकता है अगर आप एक एवरेज यूजर हो तो, लेकिन अगर आपकी यूजेस थोड़ी बहुत भी ज्यादा है तो भाई ये फोन कोई एक्सेप्शन नहीं है, बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा शानदार यहाँ पर भी नहीं है। एक दिन का बैकअप आप निकाल सकते हो लेकिन रात को आते आते आपको लो बैटरी का इंडिकेटर आ जाएगा। तो अगर आपको ये इंडिकेटर देंगे थोड़ी बहुत बैटरी के लिए एंग्जाइटी होती है भाई मेरा फोन चार्ज नहीं है बैटरी कम हो गई, तो यार ये फोन को आपको या तो दिन में दो बार रिचार्ज करना पड़ेगा या फिर आपके लिए फिर OnePlus Nord 4 एक बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जैसे सैमसंग को कैमरा के डिपार्टमेंट में बीट करना मुश्किल है वैसे ही OnePlus Nord 4 को बैटरी के डिपार्टमेंट में बीट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। आराम से एक डेढ़ दिन का बैकअप आपको मिल जाएगा अगर आप सिंगल चार्ज करते हो तो, और चार्जिंग भी भाई सुपर फास्ट है, 100 वॉट का चार्जर बॉक्स के साथ मिलता है तो अलग से चार्जर भी नहीं खरीदना पड़ेगा, पैसे भी बच जाते थोड़े। तो यहाँ पर आपको बैटरी के डिपार्टमेंट में एक बहुत ही ज्यादा इंप्रूव्ड एक्सपीरियंस देखने मिलेगा OnePlus Nord 4 के अंदर। अब सॉफ्टवेयर की मैं बात करूँ ना, यहाँ पर भाई कोई डाउट नहीं है मेरे को कि यहाँ पर कौन से फोन में आपको ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। सैमसंग S23FE हैंड्स डाउन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में आपको एक क्वालिटी एक्सपीरियंस ऑफर करने की कैपेबिलिटी रखता है। OnePlus का कलर OS ऑक्सीजन OS इसमें भी कुछ फीचर्स आपको मिल जाते हैं जो प्रैक्टिकल है, लेकिन भाई क्या है ना कि अभी OnePlus Nord 4 में थोड़े बहुत बग्स मेरे को देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि ये वाला बग देख लो, इंस्टाग्राम अगर आप स्क्रॉल करते हो और कोई एड आपको आता है कराउजल एड, तो उसमें आप दो फोटो से आगे जा ही नहीं पा रहे हो मेरे वाले केस में। अब ये जो बग्स है ये शुरू में थोड़ा बहुत आते हैं और जनरली स्पीकिंग OTA अपडेट्स के साथ फिक्स हो जाते हैं, लेकिन जब तक ये फिक्स नहीं होते तब तक मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका सॉफ्टवेयर को लेकर एकदम स्मूथ रहने वाला है। अब ये सब दिक्कतें आपको S23FE में ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगी, और अब तो भाई AI फीचर्स भी आ गए हैं, तो आपको अगर समराइजेशन ट्रांसक्रिप्शन ये सब चीजों के यूज केस है जो कि आप धीरे धीरे यूज करना स्टार्ट करोगे ना तो आप इन फीचर्स को अप्रिशिएट भी करना स्टार्ट कर दोगे। इसके अलावा फिर सैमसंग का वॉलेट है, सैमसंग डेक्स जैसे फीचर्स आपको आउट ऑफ द बॉक्स सैमसंग S23FE के अंदर मिल जाते हैं जो कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस एकदम बेहतरीन बना देंगे। तो भाई देख रहे हो ना एकदम नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है, कुछ चीजों में सैमसंग बहुत बढ़िया है, कुछ चीजों में भाई OnePlus का कोई जवाब ही नहीं है। तो क्लैरिटी लेके आने के लिए अगर समराइज करूं पूरे वीडियो को, S23FE आपके लिए तब सही रहेगा अगर आपके लिए कैमरा जो है वो टॉप प्रायोरिटी है और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो सैमसंग का S23FE ले लो आंख बंद कर। लेकिन भाई अगर आप ऐसे बंदे जिसको बैटरी को लेके बहुत एंग्जाइटी रहती है तो भाई फिर OnePlus Nord 4 आपके लिए सही रहेगा। कैमरा थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा, बाकी सब चीजें आपको यहाँ पर सॉर्टेड देखने को मिलेंगी। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्लैरिटी मिल गई होगी कि भाई सैमसंग S23FE और OnePlus Nord 4 में से आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। अगर आपने अभी तक मेरा ये OnePlus Nord 4 का कंप्लीट रिव्यू नहीं देखा तो आप यहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। S23FE का भी मैंने डिटेल रिव्यू कर रखा है तो वो आप वीडियो में जाके चेकआउट कर लेना। यहाँ पर आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।